हेलो फ्रेंड्स मैं फरहम खान वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज टू फोर सेवन फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो है ए, कुछ वीडियोस जो है मैं आपके आ, आपको करा चुकी हूं तो जिन भी लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो इस चैनल की प्लेट में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो कि अब आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इस सीरीज़ को जो है आप देखिए देखिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है मतलब तो इनमें से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर जो घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं ऑप्शन देखिए मंगल तथा शुक्र बुद्ध तथा शुक्र मंगल तथा बुद्ध या वरुण तथा प्लूटो तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड बुद्ध तथा शुक्र बुद्ध तथा शुक्र जो है इन ग्रहों के चारों ओर जो है कोई घूमने वाला उपग्रह नहीं है और ये जो क्वेश्चन है ये एस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बुद्ध तथा शुक्र जी इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम टाइम में लगाएगा ऑप्शन देखिए बुद्ध शुक्र पृथ्वी या मंगल मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर जो है सबसे कम समय में लगाता है तो जो इसका इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बुद्ध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम टाइम में जो है वो लगाता है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है यू पी दो दो में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है यू पी सी एस दो हज़ार दो में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो मैं जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे ही जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चाहे फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो एस एस सी हो आर आर बी हो यू पी पी एस सी हो कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सब में जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं रिपीटेड क्वेश्चन है तो इनको जो है इन क्वेश्चन को जो है वो आप अच्छे से करिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध पृथ्वी बृहस्पति या फिर शनि तो जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बुद्ध बुद्ध ग्रह जो है वो सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे तीव्र गति से जो है वो लगाता है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है बुद्ध शुक्र मंगल या फिर बृहस्पति तो जो सबसे कम टाइम में जो है चक्कर लगाएगा उसी की ही परिभ्रमण जो गति है वो सबसे अधिक होगी तो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था बुद्ध तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बुद्ध ग्रह जो है सबसे तीव्र गति से जो है क्वेश्चन है कि से किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो सबसे अधिक है तो जो बुद्ध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है अगले क्वेश्चन देखिए क्या है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है वो सबसे अधिक है पृथ्वी बुद्ध प्लूटो या फिर शनि तो जो अक्षीय झुकाव जो है वो बुद्ध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है वो सबसे अधिक है तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह इसका राइट आंसर है अगले क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है ऑप्शन देखिए बुध शुक्र मंगल या फिर वरुण क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुध जो है वो चंद्रमा के सदृश जो है वो दिखाई देने वाला ग्रह है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है ये क्वेश्चन जो है ये एस एस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जितना जो है बड़ा है और इसको हम पृथ्वी की बहन भी जो कहते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड थर्ड है शुक्र ग्रह है, उसका राइट आंसर है अगला देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है देखिए क्वेश्चन आ गया अभी कि ऑप्शन क्या है इसमें बुद्ध शुक्र मंगल या फिर बृहस्पति तो जो शुक्र है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन जो है वो कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है ऑप्शन देखिए मंगल शुक्र पृथ्वी या फिर बुध तो जो शुक्र है जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है उसी को हम इवनिंग स्टार कहते हैं उसी को हम चमकीला तारा भी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए सबसे चमकीला ग्रह है देखिए क्वेश्चन आ गया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बृहस्पति मंगल शुक्र या फिर बुध तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है शुक्र ग्रह जो है वो है सबसे चमकीला ग्रह होता है और ये क्वेश्चन एसएससी सी में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य का सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं बुद्ध तथा शुक्र शुक्र तथा बुद्ध बुद्ध तथा मंगल या बुद्ध तथा बृहस्पत तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह तो कौन सा है तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुद्ध तथा शुक्र ये जो है सूर्य और पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह जो है वो बुध तथा शुक्र है अगला क्वेश्चन देखिए यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है वो देवी के रूप में करते थे शुक्र पृथ्वी मंगल या फिर बुद्ध तो जो यूरोपवासी थे वो शुक्र ग्रह की जो पूजा है वो देवी के रूप में जो है वो करते थे ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बुद्ध मंगल शुक्र या फिर पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है अगले क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है शुक्र बुध मंगल या फिर बृहस्पति आपको सीक्वेंस याद रखना है किस तरीके से जो है ग्रहों का सीक्वेंस वाइज है जैसे कि सबसे पहले बुद्ध आता है बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण तो अब ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है वो कौन सा ग्रह है तो जो शुक्र है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है शुक्र वो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है यू पी पी सी एस दो हज़ार तेरह में क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वाधिक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है शुक्र ग्रह जो सबसे निकट ग्रह है अगला देखिए निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है शा सांज, शाम का तारा हो या भोर का तारा हो दोनों ही जो है वो किसको कहा जाता है तो जो शुक्र ग्रह है उसको जो है वो भोर का तारा कहा जाता है ये भी यूपी पीएससी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा जा, जा चुका है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है ऑप्शन देखिए बुद्ध शुक्र बृहस्पति या फिर शनि तो जो सौंदर्य का देवता है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भोर का तारा साँझ का तारा और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी शुक्र है और पृथ्वी की बहन भी जो है वो शुक्र है तो इतने जो है वो शुक्र ग्रह हैं ये आपको याद रखना है और सौंदर्य का देवता भी कौन है शुक्र ग्रह को कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए सुपरनोवा क्या है एक ग्रहिका एक ब्लैक होल एक पुछल तारा या मृत प्राय तारा तो जो सुपरनोवा है वो क्या है एक मृत प्राय तारा है ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस पी सी एस दो हजार पंद्रह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुपरनोवा क्या है एक मृत प्राय तारा है अगला देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी रॉबर्ट पियरे एमंडसन तस्मान या जॉन केबाट केबॉट उत्तरी ध्रुव की खोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस एस सी दो हज़ार ग्यारह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉबर्ट पेयरी ने जो है उत्तरी ध्रुव की जो है वो खोज की थी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है मैगलन अमेरिगो वेस्पुची पियरी या एमेंटसन साउथ पोल नॉर्थ नॉर्थ पोल की खोज तो अभी हमने पढ़ा था यानी कि उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट फेरे ने साउथ पोल में पहुंचने वाला कौन सा प्रथम व्यक्ति था तो एमेंटसैन यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है वो उसका करेक्ट आंसर है एमेंटसैन ये क्वेश्चन एस एस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए अगला देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है प्रोक्जीमा सेंचुरी चंद्रमा शुक्र या फिर सूर्य लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है चंद्रमा ये जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जो भी जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो इस चैनल के प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए जियोग्राफी के जो है हमारी सीरीज चल रही है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लाइक कीजिए वीडियो को थैंक यू